पर्यावरण में नई गति खोली खर। वन और पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि मॉनसून सक्रिय हो गया है और ऐसे में हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। हर एक जिले में पेड़ लगाने का अभियान जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने कहा था कि 2025 में बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, जिसको लेकर प्रेम कुमार ने कहा कि हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व तय करता है, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। जब बिहार में एनडीए की सरकार बन रही थी तब भी ऊपर से ही इंस्ट्रक्शन मिला था, उसके बाद ही बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ हम लोगों की सरकार बनी, इसलिए केंद्र का निर्णय जो होगा उसको हम लोग मानेंगे। एक महीना चलेगा, हर जिले में मनाया जाएगा। हम जिले में वैसे तमाम लोगों को, आम लोगों को लेकर के, छात्र हो, पर्यावरणविद हो जाकर के, और ऐसे एनजीओ हो जो काम कर रहे हैं जाकर के, सरकारी वाहन पदाधिकारी सबको लेकर के हम वन महोत्सव का अभियान शुरू करने कल से जा रहे हैं। उस पर बिहार के सब लोगों को भी अपील करना चाहेंगे कि वन महोत्सव में शामिल होकर के अपना योगदान दें, और भविष्य में हमारा प्लान है कि बिहार में हम पर्यावरण मित्र बनाएंगे, और बिहार के वासियों से आह्वान हम कर रहे हैं कि पर्यावरण मित्र बनाने का हमारा अभियान है, ताकि पर्यावरण को गति मिल सके और पर्यावरण को संरक्षण समर्थन देने में उनकी हम भूमिका होगी। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है, और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ की फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।